बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पिछले वीडियो में बताया था, अब इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस और सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका रूल है हेल्पिंग वर्ब या से हेल्पिंग वर्ब या बी से वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट हो तो आप नॉट को लगाइएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा, बीन लगाइएगा, मतलब इसके स्थान पर कुछ नहीं रखेंगे, प्लस आगे बढ़ जाएंगे बीन प्लस मेन वर्ब आई एन सी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या से शुरू होता है, हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ये पहला है, क्या मोहन दो दिन से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अनुसार बच्चों। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक। तो मोहन हमारा क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हैज लिखेंगे, हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, मोहन। किसी भी, जब हम किसी सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, तो मोहन अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया नॉट है, देखिए इसमें नहीं सब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पे लिखी नॉट। नेक्स्ट क्या लिखे, बीन, ये ऑलरेडी यूज किया जाता है, बीन हो गया प्लस मेन वर्ब कहाँ है, अपनी पहचान के साथ जुड़ा है, कर रहा है, तो क्या बताया, डू हो गया फर्स्ट फॉर्म, इसी में आईएनजी लगा दिया, डूइंग हो गया। अब क्या कर रहा है, अपना गृह कार्य कर रहा है, अपना गृह कार्य, तो अपना अपना गृह कार्य, गृह कार्य नहीं लिखेंगे, अपने अपना गृह कार्य पूरा लिखेंगे। देखिए सबके लिए अपना अपना अलग अलग होता है, जैसे आई के लिए माई होता है, यू के साथ योर होता है, वी के साथ आवर होता है, सी का हर होता है, ही का हीज होता है, तो ठीक उसी प्रकार से मोहन ये ही है। देखिए मी, अगर मोहन ये नॉमिनेटिव केस है, प्रेजेंट ये आपका नाउन है, अगर हम इसको प्रोनाउन में बदलेंगे तो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, पासिव केस में हीज होता है, तो डूइंग हीज ग्री है, ग्री का क्या होता है, होम वर्क, हीज होम, हीज होम वर्क हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या बचा है, ऑब्जेक्ट हो गया, अब देखेंगे सिंस, सिंस है कि फार है, देखेंगे अगर कोई निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस और अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग कर, दो दिन से, ये काउंटेबल है, जो चीजें काउंटेबल हो उनके साथ हम सिंस फार का प्रयोग करते हैं, जैसे दो दिन है तो क्या करेंगे, फार टू डेज, दो दिन है ना, ये सिंगुलर है तो ये भी, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल रहेगा, और अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा, टू डेज होम वर्क फॉर टू डेज। अब कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया, ठीक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आया। दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस, जैसे क्या हमने, क्या हमने अपना, क्या हमने अपना कार्य, अपना कार्य समय पर, सॉरी ये सेंटेंस सही नहीं बनेगा क्योंकि इसमें क्या, क्या हम अपना समय, अपना कार्य दो घंटे से, क्या हम अपना कार्य, क्या हम अपना कार्य दो घंटे से कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें देखिए, उसमें नॉट था तो लगा दिए, इसमें नॉट नहीं है नहीं लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमने, हम, ये प्लूरल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के लिए प्लूरल, तो हमने है बहुवचन है प्लूरल है तो है लिखेंगे, है जिसके बाद सब्जेक्ट है वी है, जो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नॉट है इसमें नहीं है छोड़ देंगे, बीन लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया हूँ यही दिखाने के लिए आपको, नॉट नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे उसको, वी बीन, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, मेन वर्ब कहाँ पे है वो, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना कार्य, डूइंग। अब देखिए मैं ये दिखाने के लिए आपको यही सेंटेंस बस सब्जेक्ट को चेंज किया हूँ, हाँ यहाँ वहाँ पे क्या था मोहन और यहाँ क्या है हमने, तो हम है, हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वी, वी का पासिव सफिक्स क्या होता है, आवर, डूइंग आवर वर्क, डूइंग आवर वर्क हो गया, ये अपना कार्य हो गया, कब से कर रहे थे, दो
दो घंटे से, ये भी काउंटेबल है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, फॉर टू आवर्स, ये हो गया आपका सेंटेंस। लास्ट में क्या बचा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट आप ये मतलब सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इंटरगेटिव हो गया, फिर अब हम आपको सेकेंड इंटरगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं।